तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका डेस्टिनी नंबर है 6, 6। तो अगर आपका बर्थ नंबर है 6, 15 या 24 तो आपका डेस्टिनी नंबर बनता है 6। दोस्तों, नंबर 6 एसोसिएटेड होता है वीनस से, या जिन्हें हम कहेंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ऐसे लोगों में क्षमता होती है कि वो दूसरों को कंट्रोल करें और उन्हें खुश करके पैसे जमा करें। ये लोग जो हैं बॉर्न चार्मर्स होते हैं। किसी को खुश कैसे किया जाता है ये इन लोगों से सीखना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ गलत वे में खुश, बट जो इनबिल्ट रहता है, ये लोग चार्मर्स रहते हैं, तो इनकी पर्सनैलिटी और देखते ही लोग अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ। अभी दोस्तों बात करते हैं जनरल क्वालिटीज इन लोगों के बारे में। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 6 है, तो आप लोगों की आंखें काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, इन लोगों की आंखें काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। ये लोग पोइट्री, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और सेंसुअल अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इनकी इच्छा यही रहती है कि मैं सबसे खुश रहूं। जैसे हमारी सबकी इच्छा रहती है, बट ये जो जिनके डेस्टिनी नंबर 6 हैं, इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा होती है, आई मीन बाय हुक और क्रुक मुझे खुश रहना है। इन लोगों को समझने में हार्डशिप होती है कि ये जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, ये सब ट्रांजिएंट है, ये टाइम बींग के लिए है। और जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कि शरीर नश्वर है, सब चीज़ नष्ट होगी, पर ये लोग सुनते ज़रूर हैं, पर बिलीव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नंबर 6 जो है ये वीनस से एसोसिएटेड है, शुक्र ग्रह से, है ना। और शुक्रदेव क्या है, दैत्यों के गुरु है। तो ये लोग जो है, क्योंकि अभी जैसे मैं बता रहा था कि वीनस जैसे शुक्र ग्रह दैत्य गुरु हैं, तो ये लोग भगवान की प्रार्थना भी करेंगे, तो कोई ऑब्जेक्टिव के साथ में करेंगे कि भगवान आप, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, तो अगर आप ये करोगे तो मैं आपका ये करूँगा, या जैसे अगर आप मुझे इतने ये जॉब दिला दोगे तो मैं आपको इतने ये चढ़ाऊंगा, जो स्टूडेंट्स में काफ़ी हद तक होता है, बट ये लोग काफ़ी आगे जाके भी लाइफ में ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रार्थना करते हैं। अगर ये कोई सैक्रिफाइस भी करेंगे किसी के लिए, तो इसके पीछे इनका पर्सनल गेन होता है। ये लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले काफ़ी बार उस बारे में सोचते हैं कि ये काम कैसे है, जैसे मैं करूं या ना करूं, उसमें काफ़ी हद तक आप लोग जो है टाइम आपका स्पेंड होता है। फेलियर्स है तो उससे आप लोग नहीं डरते हो। आप लोगों का मोटिव रहता है कि लाइफ में बड़ी पोजीशन पे पहुंचे और काफ़ी सारा जो है वेल्थ या धन अर्जित करें। ऐसे लोग लकीएस्ट पर्सन जो बोलते हैं, लकीएस्ट पीपल ऑन द प्लानट, वो माने जाते हैं। इन लोगों का ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, जैसे सोने चांदी का कलेक्शन करना, पहनना बहुत रहता है। ऐसे नंबर्स के इवन अगर जेंट्स भी आप देखोगे तो काफ़ी ज्वेलरी पहनते नजर आएंगे। ये लोग बाहर से ऐसे नज़र आते हैं कि आपको काफ़ी चाहते हैं, इनमें कंपैशन है और कोई खामी आप लोग इनमें ढूंढ ही नहीं सकते हो। जैसे पेशेंट भी होते हैं, टॉलरेंट भी होंगे अनजाने लोगों के साथ में भी, और जैसे कि एक आध दो बार कि कभी आप लोग कोई जो दूसरे डेस्टिनी नंबर के हो, तो अगर कुछ बोल भी दोगे तो ये उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपको कि ऐसा लगेगा कि अरे वाह, ये तो काफ़ी पेशेंट बंदा है, काफ़ी कूल काम है। बट हकीकत ऐसे नहीं रहती है, वो आप लोगों को भी बताया जो आप लोग 6 नंबर वाले हो, तो और डिपेंड करता है, आई मीन नॉट नेसेसरी हर 6 नंबर वाला ऐसे रहेगा, जो आपकी वीनस के प्लेसमेंट से उसके ऊपर, जैसे वीनस का इफेक्ट कैसे, इन्फ्लुएंस कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। वो हम आगे बताएंगे, जैसे आगे इस वीडियो में थोड़ी देर बाद में अपन वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इन लोगों का चेहरा काफ़ी हंसमुख रहेगा। और पर एक और चीज़ रहती है कि जैसे कोई अगर आपको डिपेंड करना चाहते हो कि भाई कभी अगर ये चीज़ होगी तो ये बंदा आएगा मेरे काम में, मे बी ये लोग उनमें से नहीं है कि जो टाइम पड़ने पर काम पे आए। हालांकि आपने कितना भी इनके लिए काम किया है तो टाइम पड़ने पे ये आएंगे, आप गारंटी के साथ मत लेना उसे कि ये लोग मे बी आएंगे, मे बी नहीं भी आएंगे। तो इनकी बातें जो रहती है काफ़ी मीठी लगती है कि अरे वाह, कितने अच्छे बोल रहे हैं, क्योंकि वीनस है तो वीनस रहते ही है, तो
बातें काफ़ी मीठी लगेगी, पर्सनैलिटी भी अट्रैक्टिव रहती है, जिस वजह से अपने ग्रुप सर्कल या सोशल सर्कल वहाँ पे जो भी रहेंगे उसमें फेमस रहते हैं। ये सोसाइटी में भी जैसे अपने लुक्स के लिए या पर्सनैलिटी के लिए या गाना गाने के लिए या नाचने के लिए इनका आप नाम ज़रूर सुनोगे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी हो तो आप ध्यान रखना कि जैसे अगर आप लेडीज़ में हो या जेंट्स में हो, कोई 6 नंबर वाला बंदा ज़रूर दिखेगा सोशल सर्कल में भी। एक और चीज़ रहती है कि अगर आप इनके लिए कुछ भी करोगे तो डिपेंडिंग ऑन द वीनस इन्फ्लुएंस, तो ये इतने ग्रेटफुल नहीं रहते हैं इनके लिए। अरे क्या है, तो किया तो कौन सी बड़ी बात है। इनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, इन्हें मटेरियल कंफर्ट सारे चाहिए, और जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था, तो मटेरियल कंफर्ट्स के काफ़ी शौकीन रहते हैं। अब बात करते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वीनस जो है शुक्र ग्रह, उनके डोमिनेशन पे ये लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। जिनका वीनस का इन्फ्लुएंस अच्छा होगा वो लोग काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, उनके घर का माहौल भी सुख शांति पूर्वक रहेगा। ये लोग निस्वार्थी रहेंगे, बिल्कुल जैसे जीसस क्राइस्ट थे, तो वैसे दिखकर आएंगे जिनका वीनस का इन्फ्लुएंस अच्छा है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिनकी वीनस का इन्फ्लुएंस कम है, अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, पर कम है। ये लोग थोड़े मोटापे में ज़्यादा दिखेंगे, थोड़े से मोटे ज़्यादा दिखेंगे। इनकी लाइफ कंफर्टेबल होती है, पर इनके जो आइडियल्स हैं, जो मॉरल्स हैं, ठीक ठाक ही होते हैं। खाना पीना सोना और मेरी मेकिंग की जो एक्टिविटीज़ रहती है वो इनकी प्रायोरिटीज़ रहती है लाइफ में। सोशलाइजिंग करना, फ्लर्ट करना, नेम फेम जो रहता है इनके प्राइम टाइम रहते हैं। इसे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि अगर ये लोग कंसिडर किए जाएं कि जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं उन्हें लक्ष्मी माता जो है उनके बच्चे भी कहे जा सकते हैं, इन पे लक्ष्मी माता की कृपा रहती है। ऐसी जो लेडीज़ हैं स्पेशली, तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है कि ये उन्हीं जेंट्स के साथ शादी करें जो आप लोगों की डिमांड जो है पूरी कर सकें। कई बार ऐसे देखने में आता है कि इस नंबर पे जो लेडीज़ हैं वो टॉप पोजीशन पे पहुंचती है, बट नॉट बाय गुड मीन्स, ऐसे गलत रास्तों का यूज़ करके। पैसे वाले लोग जो हैं, जो देखने में आते हैं, जो काफ़ी रिच एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इन नंबर वाली लेडीज़ के साथ में काफ़ी एसोसिएशन में देखे जाएंगे। तो इनकी जो फिजिक होती है वो अट्रैक्टिव होती है, इनके चीक्स फ्लैशी दिखेंगे, मैग्नेटिक आईज दिखेगी, कर्ली बाल होंगे, इनकी जो नोज है स्ट्रेट रहेगी, और दांत भी जो है स्ट्रॉन्ग और ब्राइट दिखेंगे। इनके जो ग्लांसेस होते हैं, जो बोलते हैं ना एक नज़र, जो काफ़ी स्वीट और सेंशुअस दिखेगी। इवन जब ये लोग मुंह भी जैसे खोलेंगे बात करने के लिए तो स्माइल करते दिखेंगे। इनकी बॉडी का शेप परफेक्ट होता है, ये लोगों की बॉडी ऐसे होती है कि सामने वाला में पैशन अराउज कर दे, ऐसे यू नो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ से जाते हैं लोग देखने लग जाते हैं। तो दैट काइंड्स ऑफ इनकी फिजिक होती है। अब दोस्तों बात करते हैं डिजीज़ या बीमारियों के बारे में। तो वीनस जो है, वीनस रूल करते हैं इंसान के जो थ्रोट रहता है, किडनी रहता है, पैराथायरॉयड जिसे बोलेंगे, चिन हो गया, चीक्स हो गया और नेक हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ये वीनस रूल करते हैं। तो स्पेशली लेडीज़ को जो है जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे मैमरी ग्लैंड्स का ध्यान रखना चाहिए, और इन जनरल दोनों जेंट्स और लेडीज़ के लिए हार्ट्स की डिजीज से केयरफुल रहना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं लकी डेट्स की। लकी डेट आप लोगों के रहते हैं 6, 15, 24, 9, 18 और 27। अनलकी नंबर्स रहते हैं 3, 12, 21 और 30। दोस्तों अभी बात करते हैं प्रोफेशन, मैरिड नंबर और लकी अनलकी कलर। प्रोफेशन वाइज दोस्तों कोई भी फाइन आर्ट्स जिसमें अनलिमिटेड एंथुजियाज्म हो वो आपके लिए बेटर है।
फैशन बिज़नेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ों का भी जो बिज़नेस है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोगों का दोस्तों मैरिड नंबर है 6, जैसे जो भी बंदे के 6 नंबर है उनका भी डेस्टिनी नंबर, उन लोगों की तरफ आप लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो। 2, 7 और 8 जिनका डेस्टिनी नंबर है उनसे हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इश्यूज होने में, जैसे बच्चे पैदा करने में इश्यूज हो सकते हैं। आपका लकी कलर रहेगा डार्क ग्रीन और ब्लू, और अनलकी कलर रहेगा वाइट, येलो और पिंक। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस कि जिन लोगों का लकी नंबर 6 है। अगेन ये मेरा इंडिविजुअल एनालिसिस है और इसे आप अपने ओन हिसाब से यूज़ करें, कि जैसे जो मेरी गाइडेंस है, जो मेरा एनालिसिस उस हिसाब से मैंने जैसे मैंने बताया है इस वीडियो में। और बट आप अपना खुद और स्टडी कीजिए इसको ध्यान से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में डेस्टिनी नंबर 7 के साथ। धन्यवाद।